अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा शाओमी के फोन्स के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज से लगभग 15 दिनों पहले मैंने शाओमी रेडमी 7 का अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने उसका कभी भी रिव्यू नहीं किया था क्योंकि उसमें मुझे कुछ इशू आया था और मैं उसका रिप्लेसमेंट के लिए वेट कर रहा था और रिप्लेसमेंट में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। यानी कि शाओमी की तरफ से अगर मैंने रिप्लेसमेंट का इशू किया तो लगभग 10 दिनों का टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन को रिप्लेस करवाने में। सबसे पहले मैंने उन्हें कॉल किया, कॉल के बाद ईमेल किया, ईमेल के बाद पिक्चर्स भेजे, पिक्चर्स के बाद उन्होंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद वो मेरा स्मार्टफोन ले गए। ले जाने के बाद दोस्तों लगभग 5 दिनों तक तो वो शिपिंग में रहा, उसके बाद जब उनके फैक्ट्री पे पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने फोन को भेजा और तब जाकर के टोटल 10 दिन लग गए दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फोन को रिप्लेस करवाने में। मतलब कि पहले तो एक लाइन में लग करके, फ्लैश सेल में लग करके आप एक फोन खरीदो और उसके बाद अगर उसमें कुछ कचरा निकल रहा है, कुछ खराब निकल रहा है, कुछ बिल्ड क्वालिटी में गड़बड़ निकल रहा है तो उसके बाद रिप्लेसमेंट के लिए भी 10-12 दिन इंतजार करो। ये कौन सी नॉनसेंस है यार। तो रिप्लेसमेंट का सच में एक अच्छा तरीका होना चाहिए जो कि MI.com पे अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi डिवाइसेस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, Xiaomi का पहला स्मार्टफोन आया था जो कि था Redmi 1S, Mi 3 और Redmi Note। तो उन सभी स्मार्टफोन्स का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छा था, कोई भी बिल्ड क्वालिटी में इशू नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सॉफ्टवेयर साइड में कुछ कुछ इशू आता था, यानी कि कुछ लोगों को MIUI पसंद नहीं था, कुछ लोगों को ओवरहीटिंग आ रहा था, तो उसे भी दोस्तों टाइम टू टाइम जो है फिक्स कर दिया गया। और ये जो चीज है दोस्तों बहुत ही दिनों तक चला, मतलब कि जितने भी स्मार्टफोन आते थे उनके बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छे होते थे। Redmi 2 का बात कर लो, Redmi 2 Prime का बात कर लो, Mi 4 का बात कर लो दोस्तों, Redmi Note 4G का बात कर लो, जो भी फोन है बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। और ये बिल्ड क्वालिटी दोस्तों और भी ज्यादा अच्छी हो गई जब Redmi Note 3 आया, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 3 मेटल बॉडी के साथ आया और फिर Redmi 4 भी आया दोस्तों मेटल बॉडी के साथ, जिससे जो बिल्ड क्वालिटी उस वक्त Xiaomi की बिल्कुल ही टॉप नॉच के साथ चल रही थी और उसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा था। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि जब से Redmi Note 4 आया Xiaomi के बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा इश्यूज आने लगे। पहले Xiaomi काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता था, लेकिन Redmi Note 4 से इश्यूज आने शुरू हो गए, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों Redmi Note 4 में आपको याद होगा 1.5 पिक्सल आना शुरू हुआ, ऐसा पिछले किसी भी स्मार्टफोन के साथ नहीं हुआ था। हालांकि Redmi Note 3 का 1-2 यूनिट के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन Redmi Note 4 के साथ ये बहुत ही बड़ा मात्रा में दोस्तों 1.5 पिक्सल आने लगा और कई लोगों के दोस्तों फोन में 1.5 पिक्सल आया, जैसे Xiaomi ने स्टेटमेंट दिया कि आप लोग रिप्लेस करवा सकते हैं और कई लोगों ने 1.5 पिक्सल को रिप्लेस भी करवाया। हालांकि रिप्लेस करवाने का भी सर्विस सेंटर वाले ये नियम बता रहे थे कि 3 से ज्यादा 1.5 पिक्सल होंगे तभी जाकर के हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो ऐसा हुआ दोस्तों, मैंने भी अपने स्मार्टफोन को रिप्लेस करवाया और 1.5 पिक्सल जो है उसके बाद जो है फिक्स हुआ रिप्लेस करवाने के बाद, लेकिन रिप्लेस्ड यूनिट्स में भी 1.5 पिक्सल आ रहे थे। तो इससे लोगों को पता चला कि जी हाँ, प्रॉब्लम तो है Xiaomi के डिस्प्ले के बिल्ड क्वालिटी में। तो इससे ये पता चला कि Xiaomi जो अलग अलग 3 अलग अलग ब्रांड्स के जो है इस्तेमाल कर रहे स्क्रीन को, एक तियानमा था, एक और कोई था दोस्तों, तो अलग अलग पैनल जो है इस्तेमाल कर रहा था, तो उन पैनल्स के वजह से कुछ पैनल्स में 1.5 पिक्सल आ रहे थे, कुछ पैनल्स में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ यही एक इशू नहीं था, इशू ये भी था कि जो Redmi Note 4 के अलग अलग वेरिएंट्स थे उसके डिस्प्ले का कलर भी दोस्तों अलग अलग आ रहा था, किसी में ज्यादा वार्म था, किसी में ज्यादा कूल साइड था, और फिक्स करने के बावजूद भी दोस्तों सब में जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो भी अलग लग रहा था। तो वो भी दोस्तों पता चला कि Xiaomi जो है वो अलग अलग पैनल इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण जो है अलग अलग कलर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये था दोस्तों Redmi Note 4 के बाद। उसके बाद जो भी डिवाइसेस आए उनमें कोई ना कोई दोस्तों आपको जो है दिखने को मिल ही गया कि कोई ना कोई इशू आ रहा है। जैसे कि Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro जब आया सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसमें वॉल्यूम का इशू आने लगा। काफ़ी लोग ये फेस कर रहे थे कि उनका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा था, जो कि मेन स्पीकर का वॉल्यूम है। तो उसके लिए भी कई लोगों ने अपने स्पीकर यूनिट को चेंज कराया, अपने जो है मदरबोर्ड को चेंज कराया, सब बोर्ड को चेंज करवाया, या फिर दोस्तों उन्होंने अपने फ़ोन को ही रिप्लेस करवाया, जो कि Redmi Note 5 Pro की बात थी। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा कि और भी कुछ फोन्स थे जिनमें आया था स्क्रीन बर्न का इशू। स्क्रीन बर्न ऐसा इशू होता है जिसमें आप जो है एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ जाती है दूसरे एप्लीकेशन की, जिससे ऐसा लगता है कि दो दो लेयर जो हमें नजर आ रहा था, वो स्क्रीन बर्न का इशू भी काफी सारे डिवाइसेस में आया, जिससे काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा काफी सारे डिवाइसेस में 3.5 mm ऑडियो जैक का भी इशू आया, यानी कि Xiaomi के एकमात्र ऐसे डिवाइसेस थे जिनमें 3.5 mm ऑडियो जैक जो है हमेशा किसी ना किसी यूजर में स्टक कर जाता था, जिससे उनको जो अपने सर्विस सेंटर ले जाकर के ठीक करवाना पड़ता था या फिर दोस्तों सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करना पड़ता था। ये भी इशू आया था कि 3.5 mm जो है हमेशा स्टक कर जाता था, तो उसे भी फिक्स किया जाने लगा। उसके बाद दोस्तों पोको फोन, आपको याद होगा पोको फोन जब आया तो उसमें क्या इशू आया, तो स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू आया, यानी कि जो लाइट जो है वो लीक कर रहा था स्क्रीन के बाहर और काफी ज्यादा व्हाइटिश टाइप का देखने में लग रहा था, तो उसे भी काफी ज्यादा रिप्लेस करवाया गया और स्क्रीन ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा फिक्स किया गया। हालांकि दोस्तों पोको फोन में एक और प्रॉब्लम था कि उनका जो टच स्क्रीन है वो किसी भी चीज से काम कर जाता है, यानी कि दोस्तों वायर से काम कर जाता है,
है, या फिर उनका जो टच स्क्रीन उसमें मल्टी टच इशू भी है। तो ये सब कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि हमेशा बिल्ड क्वालिटी के साथ इशू रही है। और अभी जब मैंने बाय किया शाओमी का रेडमी 7 तो उसमें क्या मुझे इशू आया कि उसका जो बैक प्लास्टिक है वो बाहर की ओर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा रेडमी 7 जब लॉन्च हुआ तो बैक में जो है प्लास्टिक मिलता है, हालांकि फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। और 8000 रुपए का फोन है, स्नैपड्रैगन 632 से 4000 एमएच की बैटरी है, काफी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। लेकिन दोस्तों लेकिन इसमें हमें मिलता है बैक प्लास्टिक पॉप आउट का इशू। ये क्या है दोस्तों, तो मैंने जब इस फोन को बाय किया, जब अनबॉक्स किया, तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब मैं उसे इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने पीछे की ओर देखा कि उसका जो बैक प्लास्टिक है वो बाहर की ओर निकल रहा है। और मैंने हल्का सा ऐसे हाथों से किया तो पूरा का पूरा दोस्तों बीच में गैप दिखने लगा। अब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये ऐसा बिल्ड क्वालिटी ऐसा क्यों है। चलो कम से कम प्लास्टिक का ये मैं मानता हूं, लेकिन अभी तक शाओमी के जितने भी प्लास्टिक वाले फोन थे उनमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि वो जो बैक कवर है वही पॉप आउट होने लगे, वही बाहर निकलने लगे। लेकिन ये शाओमी के रेडमी 7 में था, तो मैंने उसके बारे में ट्वीट किया, ट्विटर पे ट्वीट किया और बताया शाओमी वालों को कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम लोग रिप्लेस कर देंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें हमें चाहिए पिक्चर्स। तो मैंने उन्हें पिक्चर्स भेजा, मैंने उन्हें ईमेल किया और काफी टाइम इन सब में लगा। तो 10 दिनों के बाद मुझे रिप्लेसमेंट मिली और मैंने सोचा चलो अब रिप्लेसमेंट मिल गई है तो हो सकता है कि एक या दो यूनिट होगा जिसमें डिफेक्टिव यूनिट होगा जिसके कारण ऐसा जो है हुआ होगा। लेकिन दोस्तों लेकिन मैं सच बताऊं तो सिर्फ यह एक या दो यूनिट के बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर यूनिट्स में ऐसा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मुझे रिप्लेसमेंट यूनिट मिला उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था। जी हाँ दोस्तों, जो मुझे रिप्लेसमेंट यूनिट मिला, मैंने सबसे पहले उसका बैक ही चेक किया और मैंने देखा कि वो पहले इतना जितना दोस्तों पहला मोबाइल मेरा निकल रहा था बाहर उतना तो नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा दोस्तों बाहर वो भी अभी से ही निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर में ग्लू किया गया है वो उतना अच्छा नहीं किया गया है, और उतना अच्छा ग्लू ना होने के कारण जो बैक का प्लास्टिक है वो बाहर की ओर निकल रहा है। और ये अभी मेरे रेडमी 7 जो रिप्लेस्ड यूनिट हुआ है उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। हालांकि दोस्तों मैंने उसमें बैक कवर लगा लिया है, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जब मेरा पहला स्मार्टफोन के साथ बाहर निकल रहा था तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया जो कि स्मार्टफोन के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने उनको ये पूछा कि भाई क्या करूं, चलो सिर्फ बैक कवर ही तो बाहर निकल रहा है, मैं क्या ये यूनिट को रख लूं, मैं चाहता हूं कि चलो कोई नहीं रिप्लेसमेंट में ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं सोच रहा हूं कि ये यूनिट को रख लेता हूं और बैक कवर तो लगा के इस्तेमाल करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी, उन्होंने कहा कि देखो भाई अगर आप रख लोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो बैक कवर वो एक्सपोज्ड है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो ज्यादा डस्ट अंदर जाएगा, वाटर भी ज्यादा अंदर जा सकता है, स्प्लैश प्रूफ तो अब ये बिल्कुल भी नहीं रहा। और तीसरी चीज क्या है ना कि आपको ये सोचना है कि जो बैक कवर है वो बाहर की ओर निकला क्यों है, वो पहले से बाहर की ओर निकला क्यों है। इसका एक ये भी तो रीजन हो सकता है कि जो बैटरी हो वो अंदर में फुल गई हो जिसके कारण वो बैक कवर बाहर की ओर बाहर फेंक दिया हो, ये भी हो सकता है। तो ये बात मुझे मेरे दिमाग में स्टक कर गई कि जी हाँ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर बैटरी फुल गई हो, बैटरी में कोई डिफेक्ट हो जिसके कारण वो बैक कवर बाहर की ओर आ गया, तब तो मेरे लिए बहुत बड़ी इशू आ जाएगी। तब मैं कन्विंस हुआ कि चलो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं। तब मैंने रिप्लेस किया और दूसरा यूनिट आया, लेकिन जब मैंने दूसरा यूनिट देखा तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम कि उसका जो बैक कवर है थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। हालांकि पहले जितना निकल रहा था, पहले वाले फोन में जितना निकल रहा था उतना नहीं निकल रहा, लेकिन ये भी दोस्तों थोड़ा सा निकल रहा। तब मैंने कहा कि यार अब मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, अब मैं इसे रख लेता हूं, और मैंने अपने पापा को वो फोन दे दिया। तो ये है दोस्तों पूरी स्टोरी। तो अब बात कर लेते हैं, तो क्या शाओमी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सच में अच्छी रही? पहले बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब जो बजट सेगमेंट में बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा अच्छी रह गई। हाँ, जो 14,000 15,000 के फोन आ रहे, रेडमी नोट 7 प्रो हो गया दोस्तों, या फिर पोको फोन हो गया, पोको फोन की भी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो फोन मतलब थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में है उनकी भी जब बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह रही है, तो पता नहीं कैसे शाओमी जो है ये कह रहे हैं कि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। चलो इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है, लेकिन आपको अपनी बिल्ड क्वालिटी, अपनी कस्टमर सर्विस सब कुछ सही करनी पड़ेगी, तभी तो आप इंडियाज नंबर 1 रह पाओगे। वरना अगर आप सबको सही नहीं करोगे तो इंडियाज नंबर 1 कैसे रहोगे, ये भी तो बात सोचनी पड़ेगी आपको। तो यहां पे देखिए आगे क्या होता है। मैंने तो आपको बता दिया कि रेडमी 7 का जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो रेडमी 7 का बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही घटिया लगा, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग रेडमी 7 अब लेना चाहते हैं प्लीज ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि 1,000-2,000 रुपए लेकर के लगा करके दोस्तों उससे ज्यादा अच्छी फोन ले ले। आप चाहे तो दोस्तों रेडमी नोट 7 ले ले, क्योंकि दोस्तों रेडमी नोट 7 की बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं कोई भी कमी है। हालांकि कैमरा इशू वो लोग फिक्स नहीं कर रहे, कैमरा लैग कर रहा वो लोग फिक्स नहीं कर रहे, पता नहीं कब तक फिक्स करेंगे, और पता नहीं वो लोग फिक्स करेंगे भी या नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी तो ऐसी है। अच्छा, एटलीस्ट इसका बैक कवर तो पॉप आउट नहीं हो रहा है, उसका तो दोस्तों बैक कवर बहुत ज्यादा पॉप आउट हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि रेडमी 7 को स्किप करना ही ज्यादा बेहतरीन है। बाय के लिए दोस्तों, आज का वीडियो देखने शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।